हेलो नमस्कार, राम राम, खमाखणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, जिस साल इन्होंने पीटीटी 2023 का जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके लिए एक विशेष सूचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें कॉलेज मिलने के बाद हम सोचते हैं कि कॉलेज वाले फोन करेंगे तब जाएंगे, या किसी कारणवश हम कॉलेज में नहीं जाते हैं। तो अब की बार विभाग का कुछ स्पष्ट निर्देश है कि एक तो जो कॉलेज में नहीं जा रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, दूसरा जिनको अभी तक जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, फीस की कमी थी या और भी कोई दिक्कत थी, जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिला था और कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, अब वापस से वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएसटीसी का पेपर अच्छा नहीं गया है, तो ये सब प्रक्रिया के लिए एक बार फिर से मौका दिया गया विभाग के द्वारा। तो वो क्या है उस पर अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके बारे में मैं आपसे बात कर दूं। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ओर से ये एक पेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है जो 2 वर्षीय बीएड वाले बच्चे हैं उनकी थर्ड लिस्ट है, वो तीसरी लिस्ट जारी हुई है जिसे आप थर्ड वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं। और तीसरी वेटिंग लिस्ट के अंदर एक बात बताई इन्होंने कि कतिपय अपरिहार्य कारणों से आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित, पंजीयन शुल्क ऑनलाइन जमा कराने के बाद भी महाविद्यालय आवंटन से वंचित ऐसे पात्र और मेरिट में सम्मिलित विद्यार्थियों के अनुसार महाविद्यालय आवंटित कर दिए गए, उन्हें प्रवेश की प्रक्रिया के निम्न अनुसार होगी, उनकी थर्ड लिस्ट है जारी हो गए हैं, ठीक है। जिनको भी कॉलेज वगैरह नहीं मिला था या जिन्होंने ऑनलाइन शुल्क जमा कराई थी और कॉलेज नहीं मिला था, रजिस्ट्रेशन करवा लिया था 5,000 का फिर भी कॉलेज नहीं मिला, उन बच्चों को कॉलेज दिए गए हैं। और एक बार इन सूची में समेत ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अवसर प्रदान किया जा रहा है आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक अवसर कराना जरूरी, ये सारी बात ऐसी है। आगे यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, यदि कोई विद्यार्थी नवीन आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिक्कत यह है उनके द्वारा जमा फीस वापस नहीं लौटाई जाएगी। यानी कि हर बार ये होता था कि बीएसटीसी के अंदर आपने एडमिशन लिया है और आप अगर कॉलेज के अंदर गए और वहां पे आपने क्या है एडमिशन कैंसिल हो गया तो 22,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन इस बार इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महाविद्यालय अगर आपको कॉलेज मिला है, कॉलेज मिलने के बाद आपने 22,000 रुपए कॉलेज के अंदर जमा करा दिए और उसके बाद किसी कारणवश से आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो गया तो दोस्तों आपको 22,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। ये स्पष्ट लिखा कि उन्हें उनके द्वारा जमा फीस वापस नहीं लौटाई जाएगी, आपके 22,000 रुपए डूब सकते हैं, ठीक है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना, ये सर एडमिशन किस किस कंडीशन में कैंसिल हो सकता है, अगर आप के डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुए थे, फीस पहले भरी जाती है, डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड होते हैं तो फीस तो ले ली गई लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई गलती रही है, एडमिशन कैंसिल हो गया, 22,000 रुपए आपके गए। अगर अभी तक आप कॉलेज के अंदर एक बार भी नहीं गए हो, जो कॉलेज आपको मिली है वहां जाकर अभी तक आपने एक बार भी ऑफलाइन रिपोर्टिंग नहीं करवाई है तो भी कॉलेज वाले का हक है, कॉलेज वाले का अधिकार है, वो चाहे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है, इस स्थिति में भी आपके ये रुपए वापस नहीं आएंगे। तो विशेषकर ध्यान रखना, एक बार आप सभी को कॉलेज जरूर से जरूर अगर नहीं गए हो तो जाना है। कुछ डेट दी गई है, देखिए, आवंटन सूची में नाम होने पर कॉलेज आवंटन पत्र हेतु डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तिथि 14 तारीख आपकी लास्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। 14 तारीख तक अगर आपको कॉलेज मिली है, जब थर्ड लिस्ट में जिनको भी मिली है, मान लिया कुछ बच्चे ऐसे जिनको फर्स्ट लिस्ट में मिली थी वो सर नहीं गए थे, अब करनी है तो आप एक बार दोबारा अपना रिजल्ट चेक करना, आपको हो सकता है थर्ड लिस्ट में भी कॉलेज आवंटन हुआ हो, फर्स्ट लिस्ट में आपने एडमिशन नहीं लिया मिली तो हो सकता है थर्ड लिस्ट में भी आपको कॉलेज मिली हो, तो आप एक बार रिजल्ट जरूर चेक करना। 14 तारीख तक लास्ट आपका यह प्रोसेस रहेगा। और आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रिपोर्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 16 तारीख शनिवार तक आपको अगर अभी जिंदगी में एक बार भी अपनी कॉलेज में नहीं गए हो जहां मिली है तो 16 तारीख शनिवार तक आप सभी को कॉलेज में एक बार जाना ही जाना है ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, फिर आपका एडमिशन कोई कट नहीं कर सकता, ठीक है। आप एक बार कॉलेज में जाके हाजिर हो जाते तो फिर आपके कॉलेज वाले भी आपका एडमिशन नहीं काट सकते। क्यों जाना जरूरी साथियों, 22,000 रुपए का रिस्क है, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, अपने घर वालों से पूछना इस चीज के बारे में, ठीक है। कहते हैं ना कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, जब खुद कमाने लगे तो पता चला कि अपनी कमाई से तो सिर्फ आवश्यकता ही पूरी होती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है और अच्छे प्रकार से पढ़ाई कीजिए। जिनको कॉलेज मिल गया है अपने आगे की तैयारी कीजिएगा, 2 साल बाद आप रीट देने के योग्य हो जाएंगे, सेकेंड ग्रेड के योग्य हो जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी जरूर से जरूर क्या है, जरूर से जरूर आप क्या कीजिएगा, ये रिपोर्टिंग करवा दीजिएगा। धन्यवाद।